हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे सपोर्ट और रेसिस्टेंस के ऊपर हमें कैसे ट्रेड लेना है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस की पहचान कैसे करनी है और उसके आधार पर हमें ट्रेड कैसे लेना है। ये एक हाइपोथेटिकल चार्ट मैंने बनाया हुआ है और इसके अंदर दो हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ये वाली लाइन है और दूसरी ये वाली लाइन है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर मूवमेंट हो रहा है शेयर में। बेसिकली जैसे कोई भी पर्टिकुलर शेयर हो या फिर इंडेक्स हो, इसके अंदर अगर आप देखें तो एक मूवमेंट होता है और मान लीजिए कि वहां से एक डाउनसाइड आती है, डाउनसाइड के बाद एक थोड़ा सा स्विंग आपको नजर आता है। अब उस स्विंग के बाद क्या स्थिति होती है कि शेयर हो या इंडेक्स हो वो नीचे की ओर जाता है और एक पर्टिकुलर रेंज में फंस जाता है। तो आप यहां देख सकते हैं कि स्टॉक ने यहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचा है, वो फिर वो नीचे चला जाता है, फिर वो उसके बाद फिर वो ऊपर आ जाता है, फिर वो नीचे चला जाता है और उसी पॉइंट पे ऑलमोस्ट यहां पे सब ध्यान रखिएगा, ऑलमोस्ट उसी पॉइंट से फिर वो वापस चला आता है, फिर वो वहां से ऊपर आता है और ऑलमोस्ट अपने पीछे के दो पॉइंट यहां पे आपने देखा, पॉइंट नंबर एक, पॉइंट नंबर टू और पॉइंट नंबर थ्री। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लें यहां पर निफ्टी बैंक की बात हम लोग कर लें, निफ्टी बैंक मान लीजिए कि 44,000 के पॉइंट से फिसलता हुआ आपको यहां पे 43,000 के लेवल पर यहां पे पहुंचता है और उसके बाद 43,500 और फिर उसके बाद ऑलमोस्ट की बात यहां पे कर रहे हैं, 43,500 पर यहां पहुंचता है और उसके बाद फिर से यहां पे 43,000 और फिर से 43,500 पर पहुंचने के बाद ये यहां पर नीचे की तरफ जाता है। तो आप यहां ये देखेंगे कि बार बार यहां पर क्या हो रहा है कि स्टॉक हो या फिर इंडेक्स एक पर्टिकुलर दायरे में है, यानी कि अगर इसने एक दो बार और उसके बाद तीसरी बार अगर इसने यहां पर हिट किया और हिट करने के बाद ये फिर से ये नीचे की तरफ जाता है और फिर यहां पर पहुंचने की इसके चांसेस, आप ये समझिए कि अगर तीन बार यहां पे रेसिस्ट ये इस पॉइंट पे पहुंचा और उसके बाद यहां पर पहुंचने के इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, यानी कि फिर से ये 43,000 पॉइंट पर आने की तरफ बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट एक ऐसा हो गया जिसके ऊपर ये पर्टिकुलर इंडेक्स ये बढ़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, यानी कि 43,500 के ऊपर ये बढ़ने के लिए जा नहीं रहा है और दूसरी तरफ यहां पे 43,000 के नीचे ये जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो ट्रेडर्स बेसिकली करते क्या है फ्रेंड्स, जैसे उन्होंने क्या किया, वो करते क्या है कि वो रेंज की पहचान कर लेते हैं। जैसे यहां पे जो रेंज है वो 500 पॉइंट का रेंज आपको दिख रहा है, तो 500 पॉइंट का रेंज दिख रहा है तो ट्रेडर्स जो पहचान कर लेंगे कि हाँ ठीक है, इंडेक्स जो है 43,000 आ गया है, अब यहां पर आपको लॉन्ग करना है और फिर उसके बाद अगर आप देखें कि इंडेक्स जो है 43,500 पॉइंट पर आ गया है तो यहां पर इसको वो क्या करेंगे कि उसको वो शॉर्ट कर लेंगे। तो इस तरह से यहां पर ट्रेडिंग की जाती है। अब फ्रेंड्स, इसमें एक स्थिति और भी हो सकती है, वो क्या होती है उसको आइए समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली होता क्या है कि ये तो पर्टिकुलर एक रेंज में काम कर रहा होता है, लेकिन वास्तविकता में यहां पर स्थिति ये भी हो सकती है कि इस रेंज को तोड़ के शेयर नीचे की तरफ या इंडेक्स नीचे की तरफ चल जाए, तो यहां पे इस चीज को हम कहेंगे ब्रेक डाउन और यहां से इस पॉइंट से रेसिस्टेंस के पॉइंट से अगर ये ऊपर की तरफ चल जाएगा तो उसको हम कहेंगे ब्रेक आउट। तो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको जरूर याद रखना है, आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस पर काम करना है और इसी से ही आपको बहुत सारे ट्रेड मिल जाएंगे। अब ब्रेक आउट पर बहुत सारे लोग और ब्रेक डाउन पर बहुत सारे लोग वेट करते हैं। बेसिकली जो लॉन्ग करते हैं वो ब्रेक आउट पर वेट करते हैं और बेसिकली जो शॉर्ट करते हैं वो ब्रेक डाउन का वेट करते हैं। तो यहां पर और भी कमजोरी आती है, जैसे अब मान लीजिए कि 43,500 के ऊपर चल करके इंडेक्स ने 43,800 की क्लोजिंग लगा दी, अब 800 की क्लोजिंग लगा दी तो अब क्या ये ब्रेकआउट माना जाएगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। और उसी तरह से यहां पर अगर मान लीजिए कि उसी दिन 42,800 पर क्लोजिंग हो गई तो क्या ये ब्रेक डाउन माना जाएगा, तो इसके लिए आपको अगले दिन का इंतजार करना पड़ेगा और अगले दिन आपको देखना पड़ेगा कि क्या जो इंडेक्स है या स्टॉक है वो ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन के बाद अपनी स्थिति को सस्टेन करता है क्या, यानी कि 43,800 के ऊपर ये जाता है कि नहीं, या फिर मान लीजिए कि ब्रेक गैप डाउन ओपनिंग होती है तो खुलते ही 15 मिनट या 10 मिनट के अंदर ये अपनी पोजीशन संभाल ले अगर, तो आप समझ जाइए कि यहां पर ब्रेकआउट कंफर्मेशन है। उसी तरह से ब्रेकडाउन में अगर आप समझ लीजिए कि अगर अगले दिन बाजार खुलने के 10 से 15 मिनट में यहां पे सस्टेन हो जाता है, अप डाउन अप मार्केट नहीं होता है, गैप डाउन ओपनिंग होती है या गैप अप ओपनिंग होती है, लेकिन उसके बाद नीचे का ही ट्रेंड अगर होता है, ब्रेकडाउन के ही पोजीशन में ट्रेड जाता है, तो आप समझ जाइए कि ब्रेकडाउन कंफर्मेशन है। उसी हिसाब से आपको
यहाँ पर देखना चाहिए। तो आप ये आइडेंटिफाई करने में जब आप सफल हो जाते हैं, यानी कि रेसिस्टेंस ये और सपोर्ट का लेवल आइडेंटिफाई करने में आप सफल हो जाते हैं, तो बहुत सारे ट्रेड आपको मिलते हैं और उस ट्रेड पे आप काम करते हैं। लेकिन क्या होता है कि लाइव मार्केट में आपको ये करना होता है और आपको डिसीजन क्विक लेना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट के चार्ट हो गए या 15 मिनट के चार्ट हो गए या डेली बेसिस के चार्ट हो गए या वीकली चार्ट हो गए, तो आपको हर एक चार्ट को देखना समझना होगा और चार्ट में इसी तरह से आपको ब्रेक डाउन, ब्रेक अप, ब्रेकआउट या सपोर्ट रेसिस्टेंस पहचानना सीखना होगा। अगले वीडियो में फ्रेंड्स, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं लाइव एक चार्ट पर आपको इसको आइडेंटिफाई कराने की कोशिश करूंगा। तो आप पहले इसको, इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझिए और इसके आधार पर आपको ट्रेड काफी सारे मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।